सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आ चुका वो एक और नोट लेके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था भाई कुछ दिन के बाद मैं वापस आऊंगा। सॉरी। तो आ चुका अपने चैनल पे डबल से वापस। आप लोगों को पता होगा अपना जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अपने सेकंड चैनल तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिवाली है। तो वहाँ पे मैंने बता दिया था अभी कि 10-12 दिन के बाद अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे फिर से। तो आ चुका गाइस अब फाइनली अपने इस चैनल पे अपन डबल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखो भाई ये जो स्टैगर है न्यू आपको पता है, तो ये स्टैगर का नाम चिप स्टैगर आपको पता होगा। एक वीक पहले आया था ये इवेंट में और अपने इसको परचेस किया है यहाँ पे। और मैं वीडियो डालने वाला था, सिर्फ वीडियो नहीं डाला हूँ। तो आज गाइस आप लोगों के लिए मैंने गेम प्ले लेके आऊँ चिप स्टैगर से। और आपको पता हो एक और न्यू स्टैगर आया वाला है, कौन सा ये वाला गाइस? वेलकैनिक स्टैगर, और क्या नाम है इसका, फ्रेम का फ्लेमी, ये फ्लेमी और जो ट्रील से वो, और वेलकैनिक स्टैगर मतलब ज्वालामुखी होता है, ट्रांसलेट करे तो अपनी हिंदी में, ठीक है ना गाइस। तो ज्वालामुखी जो स्टैगर है उसका भी गेम प्ले लेके आएंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल इसका गेम प्ले लेके आना था मुझे, तो मैं पहले ये गेम प्ले लेके आ चुका हूँ। तो कल उसका गेम प्ले मिल जाएगा आप लोगों को वेलकैनिक स्टैगर का। और यहाँ पे गाइस आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखा, मैं कैसा आप लोगों के लिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। और क्यों अपलोड नहीं कर रहा था इस चैनल पर गाइस, क्योंकि मैं बोल रहा था कि भाई जो अपना सेकंड चैनल है उस पर यार बहुत दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। वैसे ही चैनल पड़ा हुआ था, मैंने बोला भाई उस पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो उस पर मैंने वीडियो तीन वीडियो अपलोड करा हुआ, और वहाँ पे भी रेगुलर वीडियो अपने आते जाएंगे गाइस। मतलब रेगुलर नहीं, मतलब 2-3 दिन में एक बार वो चैनल पे वीडियो आते जाएंगे, और इस पर तो भाई रेगुलर आते जाएंगे। तो उस चैनल पे आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे वाली सेकंड चैनल की, वहाँ पे वीडियो डाला हूँ मैंने, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वहाँ की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाला हुआ इस पर, तीन वीडियो मैंने, तो वॉच कर लेना आप लोगों ने उस सेकंड चैनल पे अपने नाजिम गेमर पे। तो चलो यहाँ पे तो आ चुके हैं। तो यहाँ पे गेम प्ले आप लोग बहुत ही क्लासिक देखने मिलेगा। ये लास्ट वाला शॉट देखो, इसको मैं इनडायरेक्ट पोस्ट करता हूँ भाई, जो गेम है वो इजीली विन कर लेता हूँ यहाँ पे। गेम देखो यहाँ पे आसानी से विन कर ले। तो चलते भाई नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो गाइस आप लोगों से एक बात पूछनी थी, जो वेलकैनिक स्टैगर आया आपको पता होगा भाई, वो स्टैगर आपको पसंद आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना भाई। स्टैगर दिखने में तो भाई एक नंबर है मुझे तो लगता है, ठीक है ना। सिर्फ उसकी जो एम है वो कम है, पावर अच्छा है और टाइमिंग अच्छा है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना भाई आपको जो वेलकैनिक स्टैगर है कैसा लगा। और भाई जो ट्रील थे, ट्रील तो भाई बहुत ही खास है इसकी, और भाई जो वेलकैनिक स्टैगर है वो भी इतना अच्छा है पर इतना खास क्यों नहीं लग रहा है गाइस, क्योंकि बोलूँ क्या, वो जो उसका एम नहीं है ना, एम कम है ना, इसलिए मुझे इतना खास भी नहीं पसंद आ रहा है। वैसे दिखने में तो एक नंबर है, सिर्फ भाई जो एम है भाई एम ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर उसका गेम प्ले करने में बहुत मज़ा आता था फेयर प्लेयर को। और राइट प्लेयर को तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई एम से, पावर से, और जो टाइमिंग है, ठीक है ना। तो उनको क्या होना, सिर्फ स्टैगर होना और भाई आई टू प्ले होना, एक बटन वो क्लिक कर देते हैं और जो गेम है भाई वो ऑटोमेटिकली चल पड़ता है फिर। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो आईटू प्लेयर को तो कुछ फ़र्क ही नहीं करता भाई, टाइमिंग कम हो या तो पावर कम हो या तो फिर एम कम हो, क्योंकि भाई एक बार जो ब्लेस स्टैगर पे आप लोगों ने हाथ में थमा दिया तो ब्रेक टू ब्रेक करके चले जाएगी सिर्फ एक बटन से क्लिक करके, ठीक है ना। यहाँ पे चलो अभी यहाँ पे गेम प्ले ये भी बातें में खत्म हो चुका है, तो गाइस थोड़ा सा गेम प्ले फोकस करते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो में बने होते यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अभी इंस्टाग्राम भी लिंक देवाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो आपको सवाल है पूछ सकते हो भी, वहाँ पे भी सपोर्ट देगा जिस तरह का यहाँ पे दिखा रहे हो। तो गाइस तो मिल जाएंगे आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जाके कर लो। तो चलो भाई अब इस गेम प्ले को फिनिश करते हैं, अपने स्टार्ट ब्रेक मिलता है आसानी से, मैं कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ। तो अपने सामने वाला जो ओपोनेंट रहता है भाई बोलता है फेयर पर्सन वर्सेस फेयर प्लेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रेक टू फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, और भाई बोलते हैं मैं भी फेयर गेम प्ले खेल रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है भाई, फेयर गेम प्ले सभी के सभी खेलो, मैं तो बोलता हूँ यार सबके सबने खेलने होना, क्योंकि गेम का जब भी मज़ा है भाई, जब फेयर प्लेयर बंदा खेलता है ना फेयर गेम प्ले, जब भी मज़ा इस गेम का। वैसे तो आई टू प्ले हैक से कुछ मज़ा नहीं है भाई। और भाई वो लूलू बॉक्स अपडेट है वो तो चलता था, पर यहाँ पे जो न्यू है आपको पता है, हैक आ चुका है, मतलब न्यू नहीं है पुराना हो चुका है यार ये भी हैक जो लूलू बॉक्स है। तो अब नया तो नहीं बोल सकते उसको अपन, सबसे पुराना तो हैक आपको पता होगा कौन सा था, लूलू बॉक्स, ठीक है ना। वो लूलू बॉक्स तो इतना सताता नहीं था, पर जो आई टू प्ले है व्यूअर्स बहुत सताता है, और भाई इंसान को डिस्क्रिप्शन में डाल देता है भाई, वो गेम बार बार लॉस कर जाता है, तो ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं भाई, अब देखिए कब तक के बैन होता, मुझे तो नहीं लगता भाई बैन होगा। आप लोगों को लगता है कमेंट करके बता देना भाई, मुझे तो नहीं लगता भाई बैन कभी होगा आई टू प्लेयर नहीं, हाँ आई टू प्लेयर, सॉरी। चलो भाई ये तो बात आप लोग साइड में रखो, आप लोगों से एक और बात पूछनी थी भाई, आप लोगों ने मुझे याद किया कि नहीं गाइस 10-12 दिन में, कमेंट करके जरूर बताना, नहीं किया तो फिर भी बताना, ठीक है ना गाइस। तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो भाई चलते हैं भाई, चलो नेक्स्ट गेम प्ले। यहाँ पे अपने ओपोनेंट का टर्न मिलती है, तो यहाँ पे देखेंगे भी जो अपने ओपोनेंट पूरा फिनिश कर पाते कि नहीं, और भाई आसानी से दो कॉइन पोर्ट कर लेते हैं। पर यहाँ पे देखो उनके जो दो कॉइन अभी शिवर है, तो देखते भी किस तरह से अभी वो गेम को हैंडल करेंगे, किस तरह से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है पहले तो टॉप फ्लेयर वाली जो कॉइन अभी सीधे सीधे मार लेना, पर यहाँ पे मुझे लगता है भाई बीच में से भाई जो कॉइन है वो निकाल लेते पहले पोर्ट कर देते, कभी रिक्सी शॉट हो सकता है गाइस, क्योंकि सामने अपनी कॉइन रहती है ना, इसलिए वो थोड़ा सा रिक्सी शॉट हो सकता है। पहले तो आप लोगों ने पोर्ट करना, और यहाँ पे देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
मतलब भाई कैसा इन्होंने पहला जो शॉट खेला था बहुत ही अच्छा खेला था, पर जो सीधा सीधा शॉट है भाई वही मिस कर दिया है। यहाँ पे भाई जो गेम है वो अपने को मिल चुका है, मतलब अब तो पूरा ही फिनिश कर दूंगा ना मैं, अब तो चांस तो देने की कोई इरादा नहीं है अपना, तो मैं पूरा यहाँ पे पूरा फिनिश करूँगा। टॉप राइट में इसको पहले पोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक साथ दो कॉइन पोर्ट हो जाती है। फिलहाल मैं कनेक्शन दिखा था टॉप लेफ्ट में, तो उसको भी मारेंगे। सबसे पहले रेड वाली क्वीन को मार लेता हूँ, बाद में फंस ना जाए यार, बाद में रेड वाली क्वीन भी बहुत परेशान करती है इंसान को। तो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में इसको भी मार लेता हूँ। अब यहाँ पे चार कॉइन बाकी है मेरे, तो फिलहाल मैं क्या करूँगा इस वाली कॉइन को पहले पोर्ट कर लेता हूँ टॉप राइट में, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा फंसी हुई नहीं थी तो श्योर थी, तो मैं पहले उसको पोर्ट कर लेता हूँ टॉप राइट में, इसको मार लेता हूँ। एक वाइन कॉइन फंसी हुई थी अपनी, उसको भी निकाल लेता हूँ, थंब में ला लेता हूँ। और जो लास्ट वाली कॉइन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, पर यहाँ पे जो अपनी ये कॉइन इसकी मदद से जो अपनी ओपोनेंट की कॉइन है मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो रास्ता है लास्ट वाली कॉइन का वो रिलीज़ कर लेता हूँ। तो चल तो सबसे पहले इसको टॉप लेवल पे मारता हूँ, चलते भी अब नेक्स्ट टेम्पल पे। तो चलो आ चुके गाइस अपन नेक्स्ट टेम्पल पे, यहाँ पे देखो आप किस तरह से फिनिश करूँगा मुंबई एरेना में गेम प्ले में भी। तो चलो देखते भी अब क्या होता है। यहाँ पे अपने ओपोनेंट को टर्न फिर से मिल जाती है, यहाँ पे सीधा सीधा ब्रेक लगाता है भाई, और यहाँ पे देखते भी अभी क्या करते हैं यहाँ पे। तो ये वाली जो कनेक्शन है उसको क्रॉस मार के वो खेलते हैं, और यहाँ पे मिस भी कर देते भाई, और कॉइन लकी शॉट लग जाता है भाई यहाँ पे इनका। देखो यहाँ पे इतना अच्छा लक है उनका, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे देखो जो कॉइन है इस वाले कॉइन को पोर्ट करते, पर यहाँ पे मिस कर देते बेचारा, मतलब फेयर गेम प्ले खेल रहा है बंदा लगता है, ऐसा लग रहा है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टॉप राइट में इसको कट मार लेता हूँ। रेड वाली क्वीन देखो आप लोग किस तरह फंसी हुई है, और यहाँ पे मैं उसको भी निकालूंगा, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले तो मैं कनेक्शन मार लेता हूँ टॉप लेफ्ट में, और यहाँ पे देखो गाइस ये वाली कॉइन को कट मारता हूँ टॉप राइट में, क्योंकि जो कॉइन से भी थोड़े से फंसे हुए थे रास्ता क्लियर कर देता हूँ थोड़ा ये शॉट मार के। अब यहाँ पे जो टॉप राइट में जो अपनी ओपोनेंट की कॉइन है वो पूरे चारों कॉइन का रास्ता रोके रखती, पर मेरे पास ये वाली कॉइन थी तो मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ, और जो कॉइन का रास्ता है वो क्लियर कर लेता हूँ। एक साथ दो कॉइन पुट जाती है, बस मुझे अब रेड वाली क्वीन निकालना गाइस। तो उसको देखो किस तरह से निकालने का ट्राई करेंगे अपन। मैं टॉप राइट में इसको कट मारता हूँ, और यहाँ पे देखो जो कॉइन है अपनी वो निकल चुकी है, मतलब रास्ता बन चुका है भाई कनेक्शन। तो मैं टॉप राइट में कनेक्शन इसको मार लेता हूँ, तो इस तरह से कुछ गेम फिनिश कर लेते अपन। तो टॉप राइट में इसको भी कट और सीधा मार लेता हूँ, और ये गेम प्ले इजीली विन कर लेते हैं, चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो गाइस ये वाला गेम प्ले आप लोगों को ध्यान से देखना, मतलब एक फनी मोमेंट होता है बस में, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल डाला हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो ये मेरे पक है उसके पक के साथ मेरा स्टैगर भी फॉलो जाता है भाई, ये तो प्रैंक हो गया गाइस अपने साथ यार, क्या ही बोलूं यार। तो यहाँ पे अपने ओपोनेंट को टर्न तो मिल जाती है, पर बेचारा पूरा फिनिश नहीं कर पाता है गेम को, और इस सामने वाला बंदे मुझे लग रहा है फेयर प्लेयर है 100%। तो टॉप राइट में इसको भी कर मारता और मिस कर देता है। यहाँ पे देखो मिस कर जाता तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्न तो मुझे मिल जाती है। तो फिलहाल मैं टॉप लेफ्ट में एक कनेक्शन जा रहा था, तो उसको भी मारना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कनेक्शन ही मारता हूँ, और जो कॉइन है भाई एक शिवर हो जाए शायद, तो लोग फंस चुकी है कॉइन, जो भी शिवर थी कॉइन वो भी एक फंस गई अपनी। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली कॉइन थी, तो मैं इस वाली कॉइन से निकाल सकता हूँ कुछ कॉइन, थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। इस वाली कॉइन से निकालता हूँ उससे कुछ मदद नहीं होने वाली अपनी, तो मैं इस वाले कॉइन को बम बना के पहले जो कॉइन अपने निकाल लेता हूँ सेंटर के बीच में से। दो कॉइन आप लोग दिख रहे हैं शिवर, तो उन दोनों को पहले पोर्ट करता हूँ एक किस शॉट मार के टॉप लेफ्ट में, इसको मैं किस शॉट मार लेता हूँ, और जो कॉइन है दो टॉप लेफ्ट में फंसे हुए थे उनको निकाल लेता हूँ। अब इस वाले कॉइन को मार लेता हूँ, क्योंकि सीधे सीधे इस कॉइन अपने को शिवर है, तो मैं इसको बाद में फंसाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले उसको पहले पोर्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे ये वाले कॉइन को कट मारता हूँ फुल पावर में, पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और फिलहाल अभी दो कॉइन अभी मेरे फंसे हुए, तो मैं एक और बड़ा शॉट खेलूंगा। ये वाला शॉट देखना आप लोगों ने किस तरह से खेला ये, और गाइस मुझे ये शॉट खेलना पड़ा क्योंकि जो कॉइन फंसे हुए थे मेरे उसको निकालना था, इसलिए मैंने वो शॉट खेला था। और यहाँ पे देखो ये वाली कॉइन अभी फिलहाल, तो मुझे लग रहा है इस जेंडर की जो कॉइन है उसका रास्ता बनाना पड़ेगा, तो मैं टॉप राइट में इसको कट मारता हूँ, और जो रास्ता बना लेता हूँ कॉइन का अपने टॉप राइट में पोर्ट करने के लिए, और ये वाली कॉइन को पहले इजीली पोर्ट कर लेता हूँ मैं, और जो कॉइन का रास्ता बना है अपने उसको भी पोर्ट करके इस गेम प्ले को विन करते हैं। और गाइस इस वाली गेम प्ले को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अच्छा ना अपने को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो कल एक और वीडियो के साथ आता हूँ, अभी के लिए बाय गाइस।